ऐसा वो आ गया है जो इस मैच के सबसे फेवरेट मैं कहूंगा, मेरा खुद का चहिता, WWE यूनिवर्स की आंखों का सितारा, द किंग ऑफ WWE। ये सुनिए जरा पहले। मिस्टर परफेक्ट फिलहाल है द किंग ऑफ वर्ल्ड स्कोर, ये किंग ऑफ WWE, किंग ऑफ द रिंग के असली मालिक वही है, क्योंकि ये टाइटल उन्हीं के पास होगा। अगर इस टाइटल को वो डिफेंड करने वाले हैं तो ये वो पहले हिस्ट्री के WWE के प्लेयर बन जाएंगे जो इस टाइटल को किंग ऑफ द रिंग को डिफेंड कर जाएंगे। इतना आसान भी ये रहने नहीं वाला है, क्योंकि उनका सामने उनका पुराना दोस्त इस मैच में आमना सामना होगा। बैल बज चुकी है, रेफरी का इशारा मैच शुरू किया जाए और ये पहले ही दे दिया है एल्बो ड्रॉप, और अब उठा लिया गया X5 और ये पावर बॉम्ब, ये पूरी तरह चलाते हुए डेड मैन का साइन, एक और फिर से पावर बॉम्ब की तैयारी है सैम के लिए। सैम को एक और पड़ा पावर बॉम्ब। सैम यहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं। शुरू शुरू में तो पूरा हैवी दिखाई दे रहे हैं, शुरू शुरू में की बात ही नहीं हो। ये हर बार सैम धीरे धीरे वार्म अप होंगे, और ये चाप तो भाई साहब कुछ भी कहो इससे उठ जा लगता है ना, ये जब लगता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सैम की वापसी हो चुकी है, सैम के जबरदस्त पंची की वजह से सैम की वापसी हो चुकी है, सैम ने बैक ड्रॉप चीक चैक दे दिया है मिस्टर परफेक्ट को। रिंग के ऊपर जा चुके हैं, क्या यहां पर बचना होगा बच गए हैं। ये पड़ा एक और एल्बो ड्रॉप, ये रिंग के अंदर काफी दर्दनाक, और ये एकदम से बच गए, क्या ही रिवर्सल किया है। नहीं, सैम भी किसी पुराने चावल से कम नहीं है भाई साहब, काफी पुराने रेसलर रह चुके हैं, दोनों एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। और ये नहीं, जल्दी से किक आउट कर दिया गया, इतना आसान नहीं होगा। वो ये कूटता हुआ एल्बो ड्रॉप, और ये सैम का पिन फोड़ कर दिया, वाह चुका दिया, बिल्कुल से चुका दिया। सैम की हाई फ्लाई किक तो इसकी महान पहचान रही, और ये फेस के नए प्लेयर की एंट्री को तैयार होता है, देखते कि अगला प्लेयर कौन आने वाला है। रोमन रेन की वापसी, रोमन रेन के और ये उठा लिया सैम को, यहां पर भाई साहब मसल को तो नहीं, सैम ने कर दिया रिवर्सल, कहा कि मैं तुम्हें ये मसल नहीं दिखाने दूंगा, उड़ा दिया है। सैम को यहां चढ़ाते हुए रोमन रेन ने उठा लिया गया है पीछे से, और ये बाहर, नहीं, ये फेस फैट फड़ा। सैम अब सामना करेंगे रोमन का, लगातार ठीक जो दे रहे हैं ना सैम, ये और ये नहीं, जैसे ही स्टार मंजित उठे वाले थे वैसे ही एक जबरदस्त पंच पड़ा उनके फेस पर। सैम भी इस मैच में कम नहीं है, मैं कहूंगा नंबर वन कंटेंडर। ओ नहीं, रिवर्सल पे रिवर्सल जो आ रहे हैं सैम के, वो इस मैच में सैम को एकदम मजबूत कैंडिडेट बनाते हैं। वो ये पड़ा उनको एक बैक जबरदस्त, लेकिन उठ जाते हैं भाई साहब, यही स्टार मंजित की खासियत है कि वो इतना जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं। ये उड़ाया, और ये चेक फेस बस्टर, और ये तैयारी सैम के, ये सिग्नेचर दे दिया है, सिग्नेचर यहां पे पड़ चुका, फिर फल करने की कोशिश होगी। 1 2 4
थे। ये बात तो सबसे पहले जाहिर हो चुकी है, रिंग में भाई साहब आपकी कोई दोस्ती नहीं चलती, आपकी जितनी दोस्ती रखते ना थे पुराने सब रिंग के बाहर, रिंग के अंदर आते ही लोग कुछ नहीं जानते। अरे जो इसके टाइटल था भाई साहब, कम से कम उसको तो रहना पड़ना नहीं देते, शुरू में ही उसको बाहर करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डांस करना बंद करो, मैं तुम्हें देख लूंगा। खैर छोड़िए, टाइटल तो जा चुका मेरे हाथ से, इनके मैच में फोकस करते। लेकिन ये मैं बता दूंगा, टाइटल तुम भी नहीं जीतने वाले हो यहां से, टाइटल सैम भी नहीं जीतेगा, क्योंकि तुम एक थप्पा हो डब्ल्यू डब्ल्यू के नाम पर। तुम बहुत ही कमजोर प्लेयर हो, सिर्फ पीछे से वार करते हो। चलिए अब इस मैच में फोकस करते हैं और सपोर्ट करते हैं द अनडिस्प्यूटेड हेड ऑफ टेबल रोमन रेंस को। रोमन रेंस को इस मैच में फेवरेट करते हैं। नहीं 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 यार, ये फेस पास्ता दे दिया गया है यार पहले ही। ये पड़ा रोमन रेंस को भी से की तैयारी, रोमन स्पीड का सब प्यार और इसका फायदा उठा रहे हैं। यहां पर द रॉक पिनफॉल कर रहे हैं, टू टू का रोमन इतनी जल्दी बाहर होने वाले प्लेयर नहीं है। सो भाई साहब ये सब को चिल्ला रहे हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्स को यहां चिल्ला रहे हैं। द रॉक अब कुछ कर सकते हैं क्या? क्या वो सैम को बाहर कर सकते हैं? नहीं, ये हेड बस्टर दे दिया है। अरे रोमन भाई जाके स्पीड मारो इसे। नहीं यार, ये सब करोगे तो मरोगे, सैम को बिल्कुल भी मौका मत दो। उठा लिया सामने से, जोड़िए क्या ही तो पावर बॉम्ब की तरह देते हैं, इधर से उधर इधर से उधर, सभी रेसलर को एक पुतले की तरह एकदम इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी इधर फेंक देते, कभी उधर फेंक देते, बिल्कुल करा रहता थे रो का। अरे रो कोई बच्चों का खेल है तो तुम बाहर कर दोगे उसे। अंडरटेकर भी आ चुके हैं, अंडरटेकर भी गुरी पावर बॉम्ब के उठाने लगा, पावर बॉम्ब फेंक चुका है रो को। अंडरटेकर ने उसको उठाया गया रोमन से। अरे भाई साहब, अब अंडरटेकर से भी जाके लड़ने लगे हैं। अंडरटेकर को भी दे दिया ये अपना अपना सिगरेट। यहां पर अंडरटेकर की भी पोती बार, वन टू टू कर, अंडरटेकर ने भी काउंट आउट कर दिया। किक फॉल नहीं होने दिया, पिन फॉल नहीं होने दिया अंडरटेकर ने। अंडरटेकर को दे दिया रोपाना, रोपाना पड़ चुका अंडरटेकर को। रोमन के अंडर पिन फॉल हो रही है। नहीं भाई साहब, ये तो क्या हो गया था, बिल्कुल ही लास्ट राउंड पे हो गया था। अंडरटेकर को क्या क्या हो चुका है, अंडरटेकर क्या बूढ़े हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी शर्म का सामना नहीं कर पा रहे हैं, लगातार पिट रहे हैं भाई साहब। अरे भाई होश में आओ और अपने जोश में आओ, दो कल के पत्ते से तुम पिट रहे हो यार। ये मैं नहीं देख सकता, ये मैं नहीं देख सकता, ये मैं क्या पूरा यूनिवर्स नहीं देख सकता। अरे तुम्हारा इतना बड़ा नाम है, कुछ तो करो भाई साहब, जब से केज से बाहर निकलो लगातार पिटते जा रहे हो। वन टू, नहीं नहीं नहीं, दो भाइयों का आमना सामना, जिसमें से रोक और रोमन। अंडरटेकर भाई ने फेंक दिया है अंदर वो। अरे लेकिन रोक उठ चुके हैं और रिंग के अंदर सैम है, लेकिन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ और अब बाहर भी आ चुके हैं, तब बीच भी बाहर आ चुके हैं। केज को भिड़ा के दे दिया है केज। ओह, अंडरटेकर का रिवर्सल, अंडरटेकर में कुछ जान आई है, अंडरटेकर ने कुछ वापसी की है यहां पर। ब्रोक भी केज से बाहर आ चुके हैं और रो के साथ आ चुके, लेकिन उन तीनों का ऐसे ही रहेगा, एक देगा तो दूसरा उसको देगा, वो ब्रोक का रिवर्सल। यहां पर अंडरटेकर की वापसी, सैम को उठा के फेंक दिया है, लेकिन पीछे से रोक आ गए, रोक ने पकड़ लिया अंडरटेकर को और ये दे दिया अपने एक नी।
अंडरटेकर की हालत में कहूंगा काफी खस्ता हो चुके हैं यहां पर। अब बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं ब्रोक से बिल्कुल सहमत हूं कि अंडरटेकर में अब वो जान नहीं रही, वो अंडरटेकर अब नहीं रहे कि भाई साहब यहां तक सरवाइव कर सके। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगला प्लेयर जो बाहर होने वाला है, अगला प्लेयर जो एलिमिनेशन होने वाला है, वो अंडरटेकर ही होगा। इतना धब्बा प्लेयर खेल रहा है यार, इतना ढीला प्लेयर खेल रहा है, कौन खेलता है ऐसे? सैम से पिट रहा है, मुझे देखिए नहीं, अंडरटेकर वापसी हो चुकी है, अंडरटेकर चल चुके हैं अपना फेमस मुंह के लिए जिसके लिए उतरते थे उसका शिकार अपने हर रोग। और ये अंडरटेकर के बाद छोड़िए, सैम यहां पर रोमन के पे भूत लाने वाले थे, बिल्कुल भाई साहब टू कार्ड पे जाके बचे हैं। डबल टपॉक स्लैम, डबल चॉक स्लैम, सैम और ब्रोक द बीफ। और यार रोकी और ये अंडरटेकर ने रोमन को भी दे दिया अपना फिर, और ये बीच ने उठा लिया हाथों पे, मुझे लगा फिर देने वाले लेकिन नहीं, लेकिन नहीं बच गए, भाई साहब बच गए। ये रिवर्सल तोड़ दिया, यहां पर अंडरटेकर अपना डेड मैन देने चाहते थे लेकिन दारोग ने उसे तोड़ दिया है। चलिए अंडरटेकर बाहर चलिए, भाई साहब आप बाहर ही रहिए तो अच्छा है, रिंग के अंदर ना, ये रिंग के अंदर एक तुरंत पले पड़े यार, तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी। फेस बस्टर दे दिया अंडरटेकर ने, वही डिजर्व करते हैं इस टाइटल को। सैम भाई को उठा लेगा, ये भाई तो नहीं देने वाले, ये रिंग के कोने में देखे बस्टा। सैम की वापसी, सैम का रिटर्न, सैम का रिवर्सल, फिर से पकड़ा लेकिन नहीं, फिर से रिवर्सल करके एल्बो ड्रॉप पे ड्रॉप, एल्बो ड्रॉप। और यहां पर सैम और ब्रो का जो सामना हुआ है ये है एक असली प्लेयर, रोपा लपड़ा बूढ़े को, बूढ़ा अंडरटेकर बाहर होने वाला, हम गारंटी के साथ कह सकता हूं, देख लेना देख लेना। वन टू, भाई साहब ये क्या कर दिया, अभी भी इसमें जान है, अभी भी स्पाइन बस्टर। सैम ने यहां दे दिया है फिनिशर, वन टू, नहीं नहीं नहीं, ब्रॉक लेसनर को तुम कैसे बाहर करते हो, तुम कल के बच्चे हो, इस मैच का फेवरेट है ब्रॉक लेसनर, वो इस टाइटल को ही जीत के रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। रुकमान अपना सैम को ये फ्री नंबर, फिर भूल करो जल्दी से, फिर भूल करो भाई, हटा के से, वन टू। अरे नहीं 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 रे बाबा, सामने भी किक आउट कर दिया यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शिट। यही एक मौका था सैम को बाहर करने का, लेकिन भाई इधर रोक पानो को भी ये तोड़ गए भाई, ये बंदा काफी तगड़ा पड़ रहा है, ये बंदा बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला। शिट, अब इसको कौन बाहर करेगा, सैम को अगर कोई बाहर कर सकता तो वो सिर्फ ब्रोक द बीस्ट है, लेकिन अंडरटेकर ने उठा लिया अपने डेड मैन को, क्या ये बाहर करने की तैयारी है, बाय बाय ब्रोक लेसनर, बाय बाय करने की तैयारी है क्या ब्रोक लेसनर, भी तक आएंगे, वन टू थ्री, नो ये मैं क्या देख रहा हूं, जिसको हम लोग बूढ़ा कह रहे थे काज, वही इस मैच का सबसे यंगेस्ट प्लेयर निकला। क्या ये वापसी हो रही है अंडरटेकर की, क्या ये हम ये पुराने वाला अंडरटेकर देख रहे हैं। सैम भाई ने दे दिया है बूढ़ा को एक अच्छा स्मैश करेंगे, नहीं रिवर्सल, अंडरटेकर का रिवर्सल, अंडरटेकर को भाई साहब अगर सैम अंडरटेकर मार कर देते हैं तो मैं कहूंगा अंडरटेकर को मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। जबरदस्त अंडरटेकर की जो वापसी हुई है, मैं ही क्या पूरा WWE यूनिवर्स उससे इंप्रेस हो गया है, और सब लोग यहां पर अंडरटेकर अंडरटेकर के नारे लगा रहे हैं। ओ मुंह जीप कर लिया था सैम ने यहां पर, रोक पानो को रोक पानो देने वाले थे, और ये अंडरटेकर के फिनिशर को तोड़ दिया, सैम को डेड मैन पड़ने वाली थी यार, सैम भाई ने उसे भी तोड़ दिया। अंडरटेकर उठा लिया गया ऐसे पे, अंडरटेकर को रोकने, और ये दे दिया हेली के कोने में जाके उनका एक हेड फेंका। रोमन तो बाहर हो चुके हैं, बीस्ट भी बाहर हो चुके, स्टार मैजिक भी बाहर हो चुके हैं, तीन महान रेसलर बचते हैं, द रोक अंडरटेकर,
अरे सब भाई बंद करो, तुम तो एक महान प्लेयर में गिनती में नहीं आते हो और तुम ये टाइटल नहीं जीतने वाले हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तुमने ही जादू पसीना मार दिया है यहां पर फाके। 1 2 नहीं 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 नहीं, मसल्स दिखाने शुरू, देखिए कैसे इतरा रहे हैं। अंडरटेकर भाई पकड़ो इसे, और जब तक इसे मार रहा तब तक ये रिंग से बाहर ना हो जाए, मारो इसे। वाह, अरे रोक यार, इसको लड़ने दो यार, तुम बीच में क्यों क्यों आते हो यार। नहीं नहीं नहीं, रोक पाना पड़ चुका है, रोक पाना पड़ चुका है अंडरटेकर को, बाहर मत जाना अंडरटेकर भाई, बाहर मत जाना। 1 2 किसी काम का नहीं है, जाके किसी केले की डाली क्यों नहीं लगा लेते। अरे नहीं 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 भाई साहब, रो पा रो नहीं, अगर यहां पर रो मारो होगा तो सब यहां पर कैसे बन जाएंगे, मुझे क्या देखना पड़ रहा है। सैम भाई चैंपियन बन चुके हैं, क्या कोई यकीन करेगा इस दुनिया में? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 2 कोड़ी का रेसलर, 2 कोड़ी का है, तुम एक WWE के नाम पे थप्पा हो, तुम कैसे ये टाइटल जीत सकते हो? मुझे गुस्सा रहा है ये देख के।